भक्ति की महिमा क्या है? भक्ति में इंद्रियों को रोकना नहीं है, भक्ति में इंद्रियों को वही कार्य जो है वो कृष्ण की सेवा, खाना है पहले भगवान को भोग लगाना है, सोना है तो ये सोच करके सुबह मुझे भगवान की सेवा करनी है, बोलना है तो भगवान के विषय में बोलना है, श्रवण करना है, तो इंद्रियों को रोकना नहीं है। वरना तो ये सारा शरीर जो है अगर भगवान उसमें नहीं समाएंगे तो इनके द्वारा केवल दुख मिलेंगे। शरीर के द्वारा हम कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं? शरीर के द्वारा सिर्फ 10% सुख मिलता है और 90% जो है वो शरीर दुख का कारण बनता है। 10% आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, या जो 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनसे हमको थोड़ा बहुत सुख मिलता है, लेकिन वही इंद्रियां ही हमारे दुख का कारण बनती है। और इसके अलावा जो ये भारी भरकम जो शरीर है वो तो केवल दुख देता है, उससे तो सुख भी नहीं मिलता। तो इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रियां भी कार्य में लग जाएंगी। तो अगर निष्क्रिय नहीं रखेंगे तो वो स्वाभाविक होगा। और दूसरा ये कि क्योंकि भगवान की भक्ति के कार्य में लगेंगे तो बंधन भी नहीं मिलेगा और भगवत धाम भी प्राप्त होगा। तो हमको क्या करना है, हमको बैलेंस कैसे करना है? एक तो है अधर्म, इंद्रियों के द्वारा अधर्म नहीं करना है, क्योंकि अधर्म अगर हम करेंगे तो वो क्या है, वो तो श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि इंद्रियों को केवल इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएगा तो वो तो नराधम है। तो अधर्म तो करना ही नहीं है। अधर्म मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अपराधी अपराधे शास्त्रों के विरुद्ध है, वो तो नहीं करना। अब दो धर्म बच गए हमारे पास, एक पराधर्म और एक अपराधर्म। पराधर्म क्या है, यानी आध्यात्मिक दायित्व के भगवान को जानना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कार्य करना है, वो टॉप है, सवै पुंसम परोपधर्म। और अपराधर्म क्या है, क्योंकि हम शरीर हैं तो हमको दूसरे काम अर्थ इन दोनों को भी देखना है, तो लेकिन कैसे करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में हमको बैलेंस करना है, यानी शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना वस्तुओं को ग्रहण करना है, और वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति उसको याद रखना है। और ये शरीर के द्वारा ही संभव है, शरीर और मन के द्वारा ही, इसलिए उनको भी हमें एक बैलेंस में रखना है।